एवरीवन यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। एक और न्यू व्लॉग, सुबह ही सुबह मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और नमाज फजर पढ़ी, थोड़ी सी कुरान की तिलावत की और उसके बाद मैं पहुंची हूँ किचन में, जबकि इस टाइम सिर्फ 6:15 हुए हैं। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है तो सूरज के साथ साथ उसकी जो तपिश है वो भी थोड़ी ही देर में आपको फील होने लग जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि 4:30 बजे ही फजर होती है तो इसलिए जनाब सुबह 6 बजे पूरा ऐसे लगता है कि दिन चढ़ गया है। तो यहाँ मैं उठी हूँ और सबसे पहले तो यहाँ मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। फातिमा के लिए लंच बॉक्स वगैरह पैक कर दिया था और अब उनको नाश्ता कराऊँगी। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड चले जाएँगे ऑफिस और जो फातिमा है वो चली जाएंगी स्कूल। तो यहाँ पे नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और बस कुछ भी नहीं ऑमलेट में डाला, कोई वेजिटेबल नहीं डाली, सिर्फ नमक और मिर्च डाली। क्योंकि वैसे तो अगर सही बताऊँ तो अंडा गर्मियाँ है, नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन आज मैंने हस्बैंड को काफ़ी दिन के बाद एग बना के दिया, नहीं तो वो ब्रेड पर या तो सिर्फ बटर या जैम लगा के खा रहे थे। तो आज मैंने बस फिर फ्रोज़न ब्रेड पराठा ही लास्ट पड़ा हुआ था, मैंने कहा बस ये बनाते हैं और साथ जो है वो ऑमलेट बना लेते हैं। तो जनाब ऑमलेट यहाँ रेडी हुआ और उनको नाश्ता बना के दिया। मरियम आज सुबह जल्दी ही उठ गई तो फिर मुझे पूरा मौका मिल गया कि जब मरियम उठ चुकी हैं तो क्यों ना मैं अपना कबर्ड सही कर लूं, क्योंकि सुबह में ही मैं फ्री होती हूं और मरियम सो रही होती है। हालांकि वो टाइम मैं बिल्कुल फ्री होती हूं, मैं चाहूं तो अपने एक्स्ट्रा काम कर सकती हूं, लेकिन मरियम सो रही होती है इसलिए मैं रूम में कोई भी ऐसा उठक पटक वाला काम नहीं करती। इवन कि मैं सफाई के बाद, पूरी सफाई करने के बाद जो डस्टिंग है वो रूम की, वो मरियम जब उठ जाती है उसके बाद करती हूँ। लेकिन आज मौका अच्छा था, मरियम बाहर देख रही थी टीवी और मैंने उसको नाश्ता करा दिया था और बस फिर मैंने सोचा कि एक एक करके कबर्ड जो है वो क्लीन करती हूँ। तो आज सबसे पहले मैंने अपना कबर्ड जो है जिन पे मैं अपने कपड़े हैंग करके रखती हूँ आयरन करके, बस वो सोचा कि इसको बना लेते हैं। काफ़ी सारे बैग्स काफ़ी दिन से यूज़ किए जा रही थी और निकाले जा रही थी और बस फिर यहाँ पे फेंकती जा रही थी, और आज जब जब स्पेस बिल्कुल भी नहीं बची, अब मुझे लग रहा था कि यह मुझे कबाड़ लग रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं अपना ये कबर्ड खोल रही थी, हालाँकि मैं बहुत मेनटेन करके रखती हूँ अपनी अलमारी, लेकिन ये जो पर्स थे वो धड़म धड़म करके गिर रहे थे। बस जनाब मैंने कुछ कपड़े प्रेस किए हुए थे, कुछ मैंने रात को अपने 3-4 ड्रेस प्रेस किए थे, तो बस मैंने उनको निकाला। क्योंकि कबर्ड्स में जो ये दूसरी चीज़ें हैंग वाले कबर्ड में अगर आप रख दें तो आपके कपड़े जो नीचे से हैं वो सारे शल हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे पास कोई और स्पेस मुझे नज़र नहीं आ रही थी। बस पिछले 2.5-3 महीने से मैं जो बैग मुझे यूज़ करना था बस मैं वो निकाल रही थी, उसके बाद वापस उसको उसकी प्लेस पर नहीं रख रही थी और दोबारा बस इसको यहीं फेंके जा रही थी। तो बस फिर कुछ कपड़े नीचे से शल हो गए थे, उनको मैंने निकाल किया, हैंग में ही थे, बस उनकी शर्ट्स को एक दफ़ा फिर आयरन कर दिया और फिर उनको मैंने अरेंज कर दिया। उसके बाद जो बैग्स थे वो मैंने उनको अपनी जगह पे रखा, क्योंकि ये जो मेरा ऊपर वाला कबर्ड है इसमें मेरे सारे बैग्स हैं। ज़रूर किसी दिन आपसे अपनी बैग्स की कलेक्शन शेयर करूँगी। फातिमा स्कूल से आ चुकी, वो काम करने में मुझे तकरीबन 3 घंटे लग गए और वीडियो में ऐसे लग रहा है कि मिनटों में मैंने अपना कबर्ड बना लिया, मगर नहीं, क्योंकि मैंने जो कपड़े निकाले थे उनको फिर मुझे थोड़ा सा आयरन भी करना था क्योंकि वो शल लग रहे थे। और उसके बाद फिर जब फातिमा आ गई तो बहुत झगड़ा था इनका इन जो है वो हाउस पे, क्योंकि जो फातिमा के पास था उनमें बॉल्स थी, कल फातिमा अपनी एक भी बॉल मरियम के साथ शेयर नहीं कर रही थी। तो मैंने इनके बाबा से कहा था कि आप वापसी आते हुए किसी भी डिस्काउंट सेंटर से आपको जो है ना ये प्लास्टिक की कलरफुल बॉल मिल जाएंगी, तो आप मरियम के लिए ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि जो मरियम का नेट हाउस है उस पर बिल्कुल भी कोई बॉल नहीं थी। हाँ, जो फातिमा का था उसके साथ बॉल्स थी लेकिन फातिमा उसको शेयर नहीं कर रही थी। बस फिर रात उसके बाबा इसके लिए भी लेकर आ गए और फिर जब फातिमा स्कूल से आई तब मैंने दोनों को निकाल के दिए ताकि झगड़े ना हो। और अब मरियम को हमेशा वो ही चीज़ चाहिए होती है जो कि फातिमा के पास होती है। आज जो है वो मैं लंच में बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती गोभी। गोभी जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल से सब लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं 3-4 तरीके से गोभी बनाती हूँ। आज जो मैं आपको गोभी बनाना बता रही हूँ वो मैं आज कर रही हूँ फ्राई गोभी, क्योंकि प्याज और ग्रेवी वो चीज़ें अभी अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने कहा ये गोभी आधी कटी हुई फ्रीज हुई हुई रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलें जनाब आज गोभी ही को फ्राई कर लेती हूँ। तो बस मैंने वो गोभी निकाल ली थी फ्रीज़र से, और जैसे आलू के हम कतलियाँ बनाते हैं या आलू फ्राई करते हैं, बस वैसे ही 2 आलू कट करके मैंने
गोभी और आलू दोनों को जो है ना ऑयल में थोड़ा सा पहले फ्राई किया, उसके बाद मैंने ढक्कन दे दिया। अब ढक्कन देने के बाद 15 से 20 मिनट मैंने इसको खोलना ही नहीं है, और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने गोभी को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मैंने कहा जनाब साथ के साथ आटा भी गूंद लेते हैं, और जब मैंने आटा गूंद लिया तो उसको बस फिर मैं अब रख दूंगी, ताकि वो थोड़ा सा जो है वो गूंदे हुए आटे की फ़ौरन रोटी बनाओ तो वो फिर अच्छी नहीं बनती, और बच्चों की वजह से फिर थोड़ी नरम रोटी चाहिए होती है। तो बस आज आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, वो मैंने गूंदा और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद बस वो मैंने उसको खोला। एक टमाटर कट किया था, 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली। स्पाइस भी बहुत ही हल्के से डालें, बिल्कुल थोड़ी सी जर्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक, बस ये 3-4 चीज़ें मैंने डाली हैं मसाले की, जो कि यूजुअली हर सब्ज़ी में जो है वो डलते हैं, और बिल्कुल मैंने लाइट सी बनानी थी। तो बस फिर मैंने टमाटर को भी डालने के बाद फिर हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया, कोई पानी कुछ भी एक कतरा भी पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बस टमाटर भी गल गए और जो मैंने हरी मिर्चें डाली थी वो भी गल गई। लास्ट में मैंने इसमें डाला हरा धनिया और ज़बरदस्ती फ्राई गोभी हो गई तैयार। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट बनती है, टेस्ट भी बहुत मज़ा होता है। सिंपल वैसे आलू खा खा के बंदा अगर तंग हो जाए, तो कोई भी सब्ज़ी फ्राई करके उसमें उन आलुओं में डाल ली जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी एक डिश तैयार हो जाती है। तो मैंने आज आप लोगों से शेयर की मैंने बनाई फ्राई गोभी विद आलू, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि डिफरेंट टेस्ट था, मज़ेदार था और खाने में बहुत अच्छा था। तो मैं हमेशा गोभी को कभी सालन की तरह बनाती हूँ, कभी ऐसे फ्राई भी कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जनाब मेरा जो है वो लंच हो गया था रेडी, बच्चों को भी अब लग रही थी भूख, और अब बना रही हूँ फातिमा के लिए रोटी। तो जनाब रोटी भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, बार दफ़ा लोग कहते हैं कि अस्मा रोटी कम वीडियो में दिखाती है, शायद अस्मा से रोटी गोल नहीं बनती, पर ऐसा नहीं है। हाँ कम वीडियो में दिखाती हूँ, क्योंकि रोटी जो है वो सभी अपने घरों में बनाते हैं, पर आज मैंने सोचा जनाब आप लोगों से शेयर करूँ कि जब मैंने आटा गूंदा है तो अब आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने रोटी भी बनाई है। और साथ ही साथ फातिमा की तो आज चैलेंजेस ही ख़त्म नहीं हो रहे, आज एक टास्क ख़त्म करती है दूसरा, क्योंकि आज लास्ट मंथली टेस्ट था और आज कोई पढ़ाई नहीं होनी। तो आज से उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जो मुझे खेलना है वो मैं खेलूँगी, तो बस ये ऊनो कार्ड थे उसके, और उसने जो है ये मोस्टली तकरीबन 80% इसमें फातिमा ने बनाया है, और लास्ट में फिर मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प की है, क्योंकि वो फिर टेढ़ा हो रहा था थोड़ा सा, वो बिल्कुल सीधा जो है ना वो वी शेप नहीं बन रहा था, तो ये लास्ट में मैंने फातिमा की कर दी हेल्प। और आधा पौना घंटा ऐसी एक्टिविटी बच्चे करते रहे ना, तो आप जो है वो टीवी से बच जाते हैं और दूसरी चीज़ों से बच जाते हैं। बेहतर है कि बच्चे ऐसी एक्टिविटी घर में करें, हाँ घर थोड़ा फैल जाता है लेकिन कोई बात नहीं, क्लीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थी आज का व्लॉग, होप कि आपके व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।